जाना है कि आपको प्रॉब्लम आ क्या रही है, क्या चीज है जो समझ नहीं आती है। एनी वन फ्रॉम 9A हु वॉन्ट्स टू कम एंड टेल मी कि क्या चीज है जो समझ नहीं आ रही है, मुझे बस उतनी बात बता दो। हम बनी हाँ जी, फटाफट से आ जाओ, कौन आएगा मुझे बताने कि क्या चीज है जो समझ नहीं आती है। फिर हम उसी के ऊपर सिर्फ काम करें, सब चीजों पे काम करने की जरूरत नहीं है ना। प्रॉपर्टीज याद नहीं होती, अप्लाई करनी नहीं आती, कहाँ पे दिक्कत है? एक्चुअली देयर आर सो मेनी थ्योरम्स, सो एंड व्हेन वी गेट द सर्कल द क्वेश्चंस आर सो लाइक अनरियल. अनरियल, देयर डायग्राम्स, या देयर डायग्राम्स आर डिफरेंट. लाइक व्हेन वी आर स्टडिंग इन क्लास देन इट्स इजी, बट व्हेन वी गो एट होम एंड रिवाइज दैट इट्स लाइक ऑल वैनिश डिफरेंट. ओके, सो आई थिंक थोड़ा सा हमें प्रॉपर्टीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, वो आपको याद ही होंगी वैसे, ऐसी कोई बात नहीं, आप बैठो बेटा। और फिर हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिर्फ आपने विजुअलाइजेशन अपनी स्ट्रांग रखनी है। जब भी हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो योर विजुअलाइजेशन हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट? चलिए बैठिए। तो हम एक बिल्कुल बहुत छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को ही हमने पकड़ के थोड़ा थोड़ा सा एक रिविजन पहले ले लेनी है कि क्या क्या कुछ हमें दिया रहता है। प्रॉपर्टीज कौन सी मैक्सिमम यूज्ड प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले तो हम उनकी बात करते हैं। ये है मेरे पास एक सर्कल, अब सॉरी, इफ आई टेक दिस कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये है मेरा सपोज सेंटर ऑफ द सर्कल, अच्छा ये है मेरे पास एक कॉर्ड ए चलो बी, जो ये एंगल बना रही है, एंगल ए ओ बी एट दी सेंटर। नाउ इफ आई टेक एन एंगल ए पी बी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए पी बी? ये मेरे पास आर्क ए बी, ये कॉर्ड ए बी, ये आर्क ए बी, ये आर्क ए बी जो सेंटर पे एंगल बना रही है और जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाती है उसमें, इफ दिस इज से 2 थीटा देन दिस इज गोइंग टू बी थीटा, आधा आधा हो जाता है। अब इस प्रॉपर्टी का तो सबको पता है, लेकिन एप्लीकेशन में प्रॉब्लम क्या आती है, आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि हम ये प्रॉपर्टी लगाएं कि नहीं लगाएं, लग रही है कि नहीं लग रही है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि प्रॉपर्टी नहीं आती, प्रॉपर्टी तो हमें आती है। अब सपोज मैं क्या करूं, मैं एक एंगल ऐसे बना दूं, क्या सेम प्रॉपर्टी यहां पे भी अप्लाई हो जाएगी? ये भी आपका, ये ही आर्क यहां पे एंगल बना रही है, सो ये क्या हो जाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा, थीटा। सबसे पहले जितने भी हमारे पास सर्कल के क्वेश्चन हैं, हमें अपने फिगर को बहुत ध्यान से देखना समझना होता है, उसके बाद हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज को माइंड में एक बार शुरू से लेके लास्ट तक सारी प्रॉपर्टीज को दिमाग में घुमा लें, एंड देन सी कि कौन सी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन हम कहाँ पर कर सकते हैं। चलिए जी, एंगल इन अ सेमी सर्कल आर, एंगल इन द सेमी सर्कल आर, अगर मैंने एक सर्कल लिया और मैंने ये इसका डायामीटर है, ये ए है, ये बी है, ये पी है, तो पी पर कितना एंगल बन रहा है? एंगल इन दी सेमी सर्कल आर राइट एंगल, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या आप जो हमने यहाँ प्रॉपर्टी पढ़ी उसको इसके साथ रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, भले तो ये बताओ। मैं आर्क ए बी अगर मैं सेंटर पर देखती हूँ तो जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है, उसका आधा बनेगा
जब आप सेमी सर्कल में चले जाओगे, सो एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर राइट एंगल्स और 90 डिग्री. ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हमारे पास यूज होती है. एंगल इन द सेम सेगमेंट आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेगमेंट क्या होता है पहले ये भी बता दो. दो चीजें हम बात करते हैं, एक हम बात करते हैं सेक्टर की और एक हम बात करते हैं सेगमेंट की. यहां पर अगर मैं ये कहूं, पी ऑलरेडी ले चुके हैं, आर क्या देते हो, ए आर बी दिस पार्ट इज इट अ सेक्टर और अ सेगमेंट? सेक्टर इज इट अ माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट? और इस माइनर सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग अगर मेजर सेगमेंट की बात करूं तो कैन यू नेम रिमेनिंग एपीबी और एक्यूबी, व्हाटएवर आई से, दिस इज द मेजर सेगमेंट. और अगर हम सेक्टर की बात करेंगे तो सेक्टर कैसे आता है मेरे पास, बताओ कि सेक्टर कैसे बनता है? ये मैंने सेंटर ले लिया, ये दो रेडियाई ले लिया, सो एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल, दैट इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल. कॉर्ड क्या है, डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, मेजर आर्क सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ये सब पॉइंट्स क्लियर हैं? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए मैम जी, अब एक बात बताएंगे आप मुझे कि अगर मैं ये सर्कल लिया मैंने और इसमें मैंने एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर दिया जिसकी चारों वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रही हैं, आई नेम इट एज से ए बी सी एंड डी. व्हाट डू आई कॉल दिस ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कोई एक पर्टिकुलर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हु इज गोना टेल मी? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, एंगल डी प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री. इक्वल क्वाड्स सबटेंड डैश एंगल एट द सेंटर इक्वल इफ डिस्टेंस ऑफ टू कॉर्ड्स इज इक्वल फ्रॉम द सेंटर, व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स? टू इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट, ये वर्ड बहुत बार यूज होता है, इक्वी डिस्टेंट. इक्वी डिस्टेंट का मतलब है इक्वल डिस्टेंसेज. तो अगर दो कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो उनकी लेंथ भी कैसी होंगी? इक्वल प्रॉपर्टीज, तो इसका मतलब आपको आती हैं, प्रॉपर्टीज आने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर्टीज की एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है. ठीक है जी, असाइनमेंट है आप सबके पास. मैंने बहुत ही आसान, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन सर्कल पे हो नहीं सकते हैं. ठीक है, बिना सोचे समझे क्वेश्चन होने वाले क्वेश्चन हैं. फटाफट से असाइनमेंट खोलो, असर्शन रीजन फर्स्ट वाला पढ़ो. असर्शन रीजन पता है कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं, वो तो बताइए आप लोगों को. पहले असर्शन देखना है ट्रू है कि नहीं, फिर रीजन देखना है ट्रू है कि नहीं, फिर उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस दे रखी हैं वो बन जाएंगी, वो इशू नहीं है हमारे पास. असर्शन पढ़ो जी. द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 17.32. जब भी आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन करने लगे हो सबसे इम्पोर्टेंट है डायग्राम. ठीक है जी, तो सिर्फ हमने इंफॉर्मेशन अगर पढ़ के हम ऐसे बैठ जाएंगे तो भाई कुछ होने वाला नहीं है. पेन कॉपी फटाफट से उठानी है, क्वेश्चन शुरू ही तब करना जब हाथ में पेन कॉपी होगी. लो हाथ में पेन कॉपी, स्टेटमेंट पढ़ो. क्या निकालना है मुझे? लेंथ ऑफ कॉर्ड. तो सबसे पहला काम मैं क्या करूं, मैं एक सर्कल लेकर के उसमें एक कॉर्ड ड्रॉ कर लूं, उसका नाम कह दिया से ए बी. मुझे अब इस, मेरा टारगेट क्या है, मुझे इस कॉर्ड ए बी की लेंथ निकालनी है. दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द
सेंटर ऑफ दी सर्कल, ये अगर मैंने सर्कल का सेंटर लिया है, ये कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से 5 सेंटीमीटर दिया, मतलब मैं कैसे ड्रॉ करूं इसे डायग्राम पे, कैसे जाऊं? ओ से इस कॉर्ड पे जाना है, शुड आई गो लाइक दिस, शुड आई गो लाइक दिस, शुड आई गो लाइक दिस, क्योंकि यहां से इस कॉर्ड पे जाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, कैसे भी जा सकते। अब अगर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया है एंड नथिंग इज गिवन, तो कौन सी डायरेक्शन में आई शुड एज्यूम इट? मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मैथमेटिकली बात करें तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें जाना है। इसका मतलब मैंने क्या करना है, मैं तो सारा कुछ गायब हो गया। ये मेरा सेंटर है, यहां से मैं स्ट्रेट आ गई, और ये पॉइंट को अगर मैं पी बोल दूं तो ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इतना ड्रॉ करने के बाद जो प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो सकती है उसके बारे में मैंने सोचना है, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? मैं ओ से चल करके परपेंडिकुलर ए बी पर आई हूं, तो एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, एनीथिंग दैट यू हैव रेड, कि अगर हम सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालें तो वो क्या करता है? वो कॉर्ड को सॉरी, इट मीन्स आई कैन से पी इज दी मिड पॉइंट ऑफ ए। तो जो जो डाटा दिया है सबसे पहले डायग्राम पे उसे बिठाते जाएं, और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी हमारे माइंड में आती है वो यूज होगी कि नहीं होगी उसको बाद में देखेंगे, वो प्रॉपर्टी लिख लो कॉपी के ऊपर या यहाँ पे उसको रिकॉल कर लो, दैट इज अप टू यू, आप कैसे उसको समझ सकते हो। फिर आगे क्या कहा गया, सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया है इस डायग्राम में, ये 10 सेंटीमीटर रेडियस तो बहुत सारे हैं मेरे पास, मैं यहाँ ज्वाइन कर दूं, यहाँ कर दूं, यहाँ कर दूं, मुझे किसको ड्रॉ करने में बेनिफिट होने वाला है, कहाँ पे ड्रॉ करूं तो मुझे कुछ फायदा मिल जाएगा? मैं ओ ए को कर दूं या तो फिर ओ बी को कर लूं, क्योंकि ये मेरे जहां मैं कैलकुलेशन पार्ट मुझे करना है वहीं पे मैं उसका यूसेज करूंगी, ये बन गया मेरा डायग्राम। ठीक है जी, अब पूछा क्या गया था मेरे से, मेरे से पूछा गया था लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब मुझे ये ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कुछ बात समझ में आती है, क्या करूं बताओ जी, कौन बताएगा क्या करना है मुझे? ये 10 पता है, ये ओपन डिस्टेंस पता है, ए बी निकालना है, और एक बात और भी पता है क्या, कि पी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर मुझे ये इतना एपी डिस्टेंस मिल जाएगा तो उसका डबल कर दूं तो ए बी मिल जाएगा, मिड पॉइंट का तो यही यूज है मेरे पास। अब कोई तरीका समझ में आता है जिससे मैं एपी डिस्टेंस या पी बी डिस्टेंस में से कोई एक निकाल लूं, डबल कर दूंगी तो मुझे आंसर मिलेगा? पाइथागोरस पाइथागोरस लगा ले, 90 डिग्री का जब भी काम आ जाए, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए और लेंथ दे रखी हो, तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए वो क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, लगा लो जी, फिर अब ट्रायंगल ए ओ पी में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनीबॉडी हु विल नॉट रिकॉल, हु कैन नॉट रिकॉल द पाइथागोरस थ्योरम, ये तो सभी को आती है, 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, फटाफट करो जरा और देखो जरा ए पी की वैल्यू क्या निकालोगे, करो फटाफट फटाफट, सबकी पेन कॉपी चलती नजर आनी चाहिए मुझे। पाइथागोरस थ्योरम है इन ट्रायंगल एओपी, अप्लाई पाइथागोरस इन एओपी या बीओपी, व्हाट एवर यू फील लाइक, दोनों में से किसी में भी लगा लो, एक ही बात है। जल्दी जल्दी पेन कॉपी रुक, किसी के पेन नजर नहीं आना कि मुझे रुक, जहां रुक गया मैंने आंसर पूछ रहा ना, उसको पेन तभी रुके, तब पेन तभी रुके जब आंसर आ गया हो, उससे पहले नहीं रुकना चाहिए। फटाफट फटाफट, देर नहीं लगानी है, जल्दी से करो।
हाँ जी पाइथागोरस लग गई। हाँ जी पाइथागोरस में भी गड़बड़ है क्या? ये मेरा हाइपोटेन्यूज यहाँ पे होगा ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ये है 10 तो हो गया 100, ओ पी है 5 तो हो गया 25 प्लस ए पी स्क्वायर। सो आई विल गेट ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 75 एंड ए पी इज इक्वल टू अंडर रूट 75। अब क्या अंडर रूट 75 इज 75 अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 75 परफेक्ट स्क्वायर होता है बच्चों? नहीं होता। तो मुझे अब अप्रोक्सीमेशन, एक तो है कि पूरा स्क्वायर रूट लगा कि आप इसकी परफेक्ट वैल्यू निकालो, दूसरा ये जो 75 है ये किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में लाई करता है? एट का स्क्वायर तो क्या हो गया? एट का स्क्वायर एट और नाइन के बीच में लाई कर रहा है। एट का स्क्वायर होता है 64 और इसका नाइन का होता है 81। मैं सिर्फ ये आपको अप्रोक्सीमेशन का एक तरीका समझा रही हूँ कैसे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट कंपेरेटिवली कम कर सकते हो। अब ये है 75, ये इससे ज्यादा डिस्टेंस पे है या इससे ज्यादा डिस्टेंस पे है? एटी 81 से इसका गैप कम है एज कंपेयर टू 64 से, मतलब मेरा जो आंसर होगा वो 8 और 9 के बीच में लाई करना है, ये तो मुझे पता चल रहा है। अंडर रूट 75 जो है इट इज गोइंग टू लाई बिटवीन 8 एंड 9, बट मोर टुवर्ड्स 8 और टुवर्ड्स 9, मतलब 8.5 से ऊपर जाऊं या 8.5 से नीचे जाऊं, क्या समझ में आता है? अगर मेरे पास इससे इससे कम डिस्टेंस है मतलब इट विल बी टुवर्ड्स 9 के आसपास, तो अगर मैं अप्रोक्सीमेशन, एक तो है तो इसकी पूरा निकाल ही सकते हो, वो भी कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, बट अदरवाइज मैं इसको अप्रोक्सीमेटली से 8.6 के आसपास अज्यूम कर सकती हूँ। ये समझ में आया क्या कहा मैंने? तो अब एपी की वैल्यू आ गई 8.6, तो एबी इसका डबल 17 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली वही मुझे दे रखा है, तो करेक्ट हो गया ये? हाँ जी असर्शन करेक्ट है कि नहीं है? असर्शन इज इट करेक्ट और नॉट? ये मैंने अप्रोक्सीमेशन पे लिया है, एग्जैक्ट नहीं लिया। हाँ मैडम मैडम प्लीज रिपीट वन टाइम मोर वो विच स्टेप ऊपर से फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टार्टिंग आ जा बेटा माइक के पास ही आ जा, माइक के पास आ जा। हाँ से दोबारा ना ना सुनो स्टार्टिंग से ऐसे तो बताना आता नहीं मुझे, वहीं खड़ा रह जाना नहीं है। कौन सा स्टेप समझ नहीं आया? क्वेश्चन उठा, पेपर लेके आ बेटा, अपनी असाइनमेंट उठा बेटा, असाइनमेंट लेके माइक के पास आ जा, असाइनमेंट ले माइक के पास आ जा। कम नियर दी माइक, मैडम फ्रॉम अंडर रूट स्टेप मतलब स्टार्टिंग से अंडर रूट स्क्वायर पे आ गए। अभी सोच लो वो भी आ गया होगा शायद समझ। मैडम एक बार दोबारा स्टार्टिंग से समझा दूंगा। मैं वही कह रही हूँ बच्चे, मैं समझा रही हूँ, तुम क्वेश्चन पढ़ो, एक एक चीज पढ़ते जाओ, मुझे बताओ क्या बात समझ में नहीं आई वो मैं बताती हूँ। पहले तुम ये तो देखो तुम्हें समझ आया क्या नहीं है, वही तो समझाऊं। पढ़ बेटा क्वेश्चन पढ़। सबसे पहले दिया था लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो मुझे सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या कर रहा है बेटे कॉपी में? हाँ क्या क्या समझ में नहीं आया यही पूछा मैंने तो।
क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में से कुछ समझ में आया कि कुछ भी समझ नहीं आया? क्वेश्चन ही समझ नहीं क्वेश्चन आया? क्वेश्चन समझ में आ गया क्वेश्चन को? समझ में आ गया? चलो, यस सर। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है, अगर मैं बोलूं कि इसको तुमने ट्राई करना है, तो कहाँ से शुरुआत करोगे? सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे? सर्कल करेंगे। ड्रॉ करोगे? लो जी, सर्कल ड्रॉ हो गया। अब क्या करूं? अगला स्टेप क्या करोगे बेटा? कॉर्ड मैडम कोड ड्रॉ करेंगे। लो जी, कॉर्ड ड्रॉ कर दी। फिर सेंटर मैडम, फिर सेंटर पॉइंट सेंटर पॉइंट। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट कहाँ लाइन से? कहाँ से स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ से कर? फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर। फ्रॉम द सेंटर कॉर्ड तक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। चलो अब रेडियस रेडियस रेडियस, 10 सेंटीमीटर का रेडियस दे रखा था। रेडियस मुझे पता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस पे चली जाऊं तो ये 10 हो गया। एक इंफॉर्मेशन और देखिए, 5 सेंटीमीटर, वो कौन सा डिस्टेंस दिया हुआ? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये 5 है। अब पहले यहां तक बता बेटा, क्या समझ नहीं आया? तूने वो बताया सब कुछ? मैं यस यू टोल्ड मी एवरीथिंग, राइट? अब यस मुझे निकालना क्या था? मुझे ए बी निकालना था। अब हमें ये भी पता है कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालें तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो मैंने क्या कहा, ए पी डिस्टेंस निकाल दो, उसका डबल करके पी भी आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने क्या कहा, ए ओ पी में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। क्या होती है बेटा पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा? क्या बोल ओ, आ रही है, आ रही है, बोल तो सही बेटा, तभी आएगी आवाज। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? रहे क्या एओ स्क्वायर, एओ स्क्वायर इक्वल ऐसे है, ये जो पीछे से बोल रहे हैं ना, वही आ जाओ आगे, उसको पहले समझा दो। सिर्फ बोल के नहीं, उसे समझ में आना चाहिए। मेरी बात समझ नहीं आती, तुम्हारी आ जाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, आप उसका नुकसान कर रहे हो। जो आप बोलते जाओगे वो बोलता जाएगा, और दोबारा जब जाके देखेगा तो उसको समझ, तो फिर नहीं आने की क्या हो गया? तो क्या बेनिफिट है ऐसे बेटा? पाइथागोरस थ्योरम कभी पढ़ी है आपने? अगर ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल समझाते है, इफ आई हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ये जो एसी साइड है इसको क्या बोलते हैं बेटा? बेस परपेंडिकुलर के हाइपोटेन्यूज क्या बोलते हैं? ओ भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर बी पे बन रहा है, तो एसी को क्या बोलूं? हाइपोटेन्यूज बोलूं, परपेंडिकुलर बोलूं, बेस बोलूं, क्या बोलूं? पेंडिकुलर वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है बेटा। 7वीं क्लास में, छठी में, किधर भेजूं ये बता दे मुझे पहले। बोल, कौन सी क्लास में जाना पसंद करेगा? एक दिन यस वही क्लास लगवा देती हूँ बिठा के। एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर नहीं पता आपको क्या होते हैं? ये आपका जो ए सी, ये जो दो साइड आपस में परपेंडिकुलर है, इनमें से कोई भी एक परपेंडिकुलर, एक बेस, बट दिस इज ऑलवेज दी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो ये है आपका हाइपोटेन्यूज, जहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके बिल्कुल सामने देख लो, जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मुझे बता बेटा, ट्रायंगल ए ओ पी में ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है? इधर देख, इधर बोर्ड पे हाइपोटेन्यूज क्या है? इधर से तो समझ ही नहीं है मैंने बोल रही यही तो नहीं समझ आया मैंने बोल ओ भाई, मैंने तो ये पूछा आपसे कि ये ट्रायंगल अगर ए ओ पी है, तो इसमें ये ए ओ हाइपोटेन्यूज है, बेस है कि परपेंडिकुलर है, क्या है?
अच्छा मतलब आपको राइट एंगल ट्रायंगल समझ में नहीं आ रहा, अब यहीं पे खड़ा रहियो बेटा. एक्चुअली दिस इज समथिंग नॉट एक्सपेक्टेड कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं पता हो. चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा बात कर लेते हैं. ये मेरे पास पी क्यू आर, ये 90 डिग्री का एंगल. जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसकी साइड्स को नाम दिए जाते हैं. एक हाइपोटेन्यूज, एक बेस और एक परपेंडिकुलर. ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आई? यस नो. 90 डिग्री के आप यहां खड़े हो अगर और बिल्कुल सामने देखो तो क्या पी आर साइड दिख रही है? तो यस ये जो पी आर साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. आप खड़े हो जहां 90 डिग्री बन रहा है और बिल्कुल आपके सामने जो साइड है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज. अब बाकी की जो दो साइड्स बच गई हैं उसमें से मैं इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, या इसको बेस, इसको उल्टा भी ले सकती हूँ. वो डिपेंड करता है किस एंगल. अभी छोड़ दो, हम इसको अभी ये मान के चलो कि ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस. यस यहां तक समझ में आ गई बात? यस चल बेटा अब मुझे बता, ये जो ट्रायंगल एओपी बना ये भी 90 डिग्री बना. यस अब अगर मैं यहां पे खड़ी हूं इसके सामने कौन सी साइड है? लेंथ, इधर लेंथ ए ओ है, ओ पी सामने है कि एपी है सामने? एपी एपी सामने है. मैं यहां खड़ी हो जाऊं तो मेरे सामने कौन सी साइड है? एस ओ वाली है पी ओ वाली. ओ ए के ओ पी. पी ओ जो सामने वाली वो एपी है, जो नीचे ओ एक ए मिनट, ओ है कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना. ये मेरे पास ए, ये ओ, ये पी. ठीक है, मैं यहां पे खड़ी हूं, मेरे बिल्कुल सामने, आई एम फेसिंग दिस, तो मेरे सामने कौन यस सी साइड है बेटा? ओ ए हाइपोथेनस ओ ए है. तो ये ओ ए क्या हो जाएगा मेरा? हाइपोटेन्यूज. बिल्कुल ठीक है. इसको मैंने बेस बोल दिया, एपी को और ओपी को बोल दिया परपेंडिकुलर. ठीक है जी. अब जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है जो आपका हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर कर दो, जो बेस है उसका स्क्वायर कर दो, और जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ये आपस में बराबर होते. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी कभी? यस अब समझ में आ गया? ठीक है जी. यस अब हाइपोटेन्यूज मेरा क्या था इसमें? ओ ए मतलब 10. बेस क्या है? ए पी जो मुझे निकालना है. परपेंडिकुलर है ओ पी विच इज 5. ठीक है बच्चे, यस अब मैं क्या कर रही हूं? मैंने कैलकुलेशन करनी है. 10 का स्क्वायर किया 100 आ गया, ए पी का स्क्वायर किया, फिर 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया, उधर ले गए तो 75 हो गया है ए पी का स्क्वायर. तो मैंने कह दिया ए पी होगा अंडर रूट 75. यहां तक समझ में आया बेटा? अब आई बात समझ में कि नहीं आई अभी भी? यस यहां तक समझ में आ गई है? इसकी अगली की बात बाद में करते हैं. यहां तक समझ में आ गया यहाँ पक्का? तक अब परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस क्या होता है, समझ में आ गया? यस पक्का, चलो ठीक है, बैठो सीट पे. गुड. चलिए जी, अब मेरे पास अगर किसी चीज का स्क्वायर दिया है और वो वैल्यू चाहिए हो तो क्या करना पड़ता है? स्क्वायर रूट करना पड़ता है. तो मैंने क्या कर दिया? 75 का स्क्वायर रूट. और 75 का स्क्वायर रूट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 8.6 के आसपास कुछ बनेगा. स्क्वायर रूट निकालना आता है या ये भी बताऊं? बोलो जी, शुड आई टेल हाउ टू गेट द स्क्वायर रूट? ठीक है जी. अब मेरे को ए बी चाहिए था. ए बी क्या है? डबल ऑफ ए पी.
इसका डबल करेंगे तो ये 17.3 के आसपास मेरे पास आ रहा है, और यही मेरे को क्वेश्चन में दे रखा था। 17.2 बन जाएगा ये मेरे पास। तो असर्शन ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? बोलो जी, असर्शन ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हुआ बेटा? क्योंकि यहाँ पे 17.2 और यहाँ पे 17.3, तो हमने भी तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही निकाली हुई है इसकी, हमने एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी निकाली है। अगर आप 75 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो Because ऐसे ही करते हो? I think the problem in the worksheet because that is the 1732. ओके okay. ओके That's okay. नहीं पर ऐसे होना नहीं चाहिए, मेरे पास जो प्रिंट है, चलो एनीवेज दिस इज 17.32, मेरे पास जो दे रखा है दैट इज 17.32। it. तो असर्शन ट्रू हो गया। Yes. रीजन की बात करो जी। द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, इज इट ओके? तो Yes. आंसर क्या बनेगा? ए बी सी, क्या बनेगा आंसर? ए, क्योंकि हमने इसी प्रॉपर्टी को यहाँ यूज भी किया है कि जो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा था, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने आंसर को कैलकुलेट किया। सो मेरे पास आंसर हो गया फर्स्ट वाला, दैट इज ए। अब अगले की असर्शन पढ़ो, थ्रेटिकल सा क्वेश्चन है ये, पढ़ो और आंसर बताओ। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल मस्ट बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, बताओ जी सर्कमफ्रेंस होती क्या है? व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल? बाउंड्री बाउंड्री, सर्कमफ्रेंस इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, क्या फॉर्मूला होता है इसका? टू पाई आर। क्या कभी सर्कमफ्रेंस नेगेटिव हो सकती है? क्या किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस नेगेटिव आ सकती है कभी? इतना इतना विचारने को क्या है इसमें बेटा? सर्कमफ्रेंस क्या है? लेंथ। क्या लेंथ को कभी नेगेटिव में कंसिडर करा जाता? तो पहली स्टेटमेंट ट्रू हुई कि फॉल्स? द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल मस्ट बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। पर रीजन दिया है, इफ आर विच इज ग्रेटर देन 0 इज द रेडियस ऑफ द सर्कल देन इट्स सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर एंड दिस इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। ये भी ट्रू है कि सर्कमफ्रेंस जो होती है वो क्या होती है? वो 2 पाई आर होती है। आर पॉजिटिव है सो 2 पाई आर भी पॉजिटिव है। तो यहां पर भी आंसर क्या हो गया आपका? ए ही हो जाएगा। चलो जी अगला पढ़ो फिर। द मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी इज 60 डिग्री, डायग्राम देखते हैं पहले। ये सब लोग पहले डायग्राम अपनी कॉपी में ड्रॉ करोगे एंड देन यू विल थिंक अबाउट द प्रॉपर्टीज दैट यू नो एंड अकॉर्डिंगली विल सी। ये ओ मेरे पास सेंटर है ऑब्वियसली, ये मुझे दे रखा है ए, ये पॉइंट दिया हुआ है बी, ये है सी, ओ ये ज्वाइन किया मैंने, ये ज्वाइंड है, ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। मुझे कहा गया एंगल ए ओ सी 60 डिग्री है, ये बताओ मतलब ये इज इट 60 डिग्री और नॉट? दिस इज समथिंग आई नीड टू चेक। अब एंगल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें से क्या क्या एंगल आप निकाल सकते हो पहले उसको सोच लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। एक चीज, दूसरी चीज मुझे समझ में आ रही है, ये है एसी आर्क जो सेंटर पे एंगल बता बना रही है उसकी बात की जा रही है, जो मुझे 60 डिग्री कहा जा रहा है, ठीक है? तो
सबसे पहले अगर मैं ये ओ ए बी ट्राइंगल में देखूं, ये 30 डिग्री दिया, क्या कोई और एंगल मैं निकाल सकती हूँ? है पॉसिबल निकालना? इफ आई लुक एट दी ट्राइंगल ए ओ बी, कैसा ट्राइंगल है ये? कुछ खास प्रॉपर्टी इसकी? कैन आई से इट टू बी इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, कुछ कह सकते हैं? अच्छा आइसोसेलेस, क्योंकि इसमें ओ ए और ओ बी दोनों रेडियाई हैं, दोनों बराबर। अगर दो साइड ट्राइंगल की बराबर हों तो उनके अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अब ओ बी ओ सी ट्राइंगल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, क्या कुछ एंगल यहाँ पे बता सकती हूँ मैं? ये 40, अगेन ओ सी और ओ बी फिर से रेडियाई आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका मतलब ये कितना है? ट्राइंगल तो ये ट्राइंगल टोटल ए बी सी कितना हो गया? 70 डिग्री। अब क्या मैं एंगल एओसी के बारे में कुछ बोल सकती हूँ कितना होना चाहिए? एओसी, सॉरी, कैन आई से एनीथिंग अबाउट द एंगल एओसी? हाउ मच इट शुड बी? 140। विच प्रॉपर्टी? ये एसी आर्क एबीसी, ये टोटल एंगल सर्कमफेरेंस पे बना रही है, और यही आर्क एओसी एंगल कहाँ बना रही है? सेंटर पर। तो प्रॉपर्टी है मेरे पास, जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बने वो इसके कंपैरिजन में आधा हो जाता है। तो अगर ये 70 है तो ये होना चाहिए 140। बट मुझे क्या दिया है, क्या हो? 60 तो क्या ये ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? असर्शन फॉल्स हो गई। ये जिस जिसको समझ नहीं आया है वो बताओ। हमें एंगल्स की बात बोली गई थी, अब एंगल की बात बोली गई है तो मुझे एंगल ही ढूंढने पड़ेंगे, और तो कुछ कर नहीं सकती हूँ मैं। एंगल के नाम पे सिर्फ एक चीज दे रखी थी, ये 30 डिग्री, और कुछ मुझे दिया नहीं हुआ है। इसका मतलब मुझे ये ट्रायंगल्स पर ही सबसे ज्यादा अपनी ऑब्जर्वेशंस रखनी पड़ेगी। जब ट्रायंगल को हमने ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चल गया कि ये रेडियाई हैं, मतलब दोनों बराबर हैं, आइसोसेलेस हैं, इसका मतलब ये 30 तो ये भी 30, ये 40 तो ये 40, टोटल 70, तो इट हैज टू बी 140 डिग्री। ठीक है, रीजन दिया, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन द सर्कमफेरेंस, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू ट्रू। तो आंसर क्या बना? असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। सो विच ऑप्शन आंसर? सी ऑप्शन। फिफ्थ देखो जी, फोर्थ थ्योरेटिकल्स है, ये आप कर लोगे। फिफ्थ पढ़ो जरा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो सबसे पहला काम क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहला क्या करोगे? बनाओ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। एक सर्कल लिया, इसके अंदर क्वाड्रिलेटर बना डालो फटाफट। ये बना लिया हमने क्वाड्रिलेटरल, नेमिंग भी कर देते हैं ए बी सी डी। अब इसके बारे में आपको जो पता है पहले वो इंफॉर्मेशन लिख लो। क्या पता है आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो? लिया मैंने एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री, इतनी बात तो मुझे पता है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया मुझे? -60 डिग्री हाँ, ए माइनस सी इज 60 डिग्री, एंगल ए माइनस एंगल सी इज 60 डिग्री। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल ए माइनस एंगल सी इज 60 डिग्री, देन स्मॉलर ऑफ द टू इज 60 डिग्री। व्हेन आई एम सेइंग स्मॉलर ऑफ द टू, कौन से दो की बात कर रही हूं मैं? विच टू एंगल्स एम आई टॉकिंग अबाउट? ए एंड सी। अब मैंने बताना दोनों में से छोटा 60 डिग्री है कि नहीं है, बताओ क्या कर सकती हूं मैं? मेरे पास ये तीन चीजें अवेलेबल हैं। अब मुझे एक बात तो समझ में आ रही है, इसका तो कोई खास काम है नहीं, क्योंकि मेरा रिलेशन जो है ए और सी के बीच में बताना है, तो इसका मुझे कोई ज्यादा यूज नहीं करना है।
क्या ये दो चीजों को यूज करके आप बता सकते हो एंगल ए कितना है, एंगल सी कितना है, निकाल सकते हो? हाँ जी, निकाल सकते हो कि नहीं? निकालो फिर फटाफट से कि एंगल ए की क्या वैल्यू है और एंगल सी की क्या वैल्यू है। एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री है, एंगल ए माइनस एंगल सी 60 डिग्री है। मैं इन दोनों को ऐड ही कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज 240, तो एंगल ए कितना आ गया 120। एंगल ए अगर 120 है तो एंगल सी कितना है? हाँ जी, एंगल ए 120 डिग्री है, 120 माइनस 60, या मैं यहाँ पे डाल दूँ 120 प्लस एंगल सी इज 180, तो एंगल सी आ गया 60 डिग्री। तो क्या मेरा असर्शन ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? ट्रू हुआ। स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स इज 60 डिग्री। दो एंगल ए और सी की बात कर रहे थे, एक 120 आया है, दूसरा 60, तो दोनों में से स्मॉलर कौन से वाला है? 60 डिग्री वाला। ट्रू हो गया। और रीजन दिया है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। क्या इसी रीजन को यूज करके हमने असर्शन को ट्रू प्रूव किया? ये हमने यूज किया है सामने से, एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180, सो आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। अब ये जो हमने चार असर्शन रीजन डिस्कस किए, ऑनेस्टली नहीं जिसको समझ में आए हाथ खड़ा कर, जल्दी से फटाफट। और जैसे उसने आके पूछा, जो उसे समझ में नहीं आया तो उसने कुछ सीखा ही होगा, तो पूछा करो बच्चों, चाहे बात छोटी है चाहे बड़ी है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, डिंट हुआ, एनी वन फ्रॉम 9A और 9B हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ, सबको समझ में आ गया चारों? चलो फिर एक काम करो, जरा अगला थोड़े ध्यान से पढ़ना। मैं डायग्राम को थोड़ा, यहाँ पे डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा ब्लर सा है, आप जरा पढ़ो एक बार कि क्या दिया हुआ है। सारे जल्दी से इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है उसको पहले ग्रैब करने की कोशिश करनी है मुझे। ये है ए बी, ये है मेरा सी डी, ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर दिया है। डायग्राम से ही चलते हैं। अ फार्मर हैज अ सर्कुलर गार्डन एज शोन इन द पिक्चर अबव। ही हैज डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, प्लांट्स एंड फ्लावर प्लांट्स। इन द गार्डन देयर आर टू मैंगो ट्रीज एट ए एंड बी। ए और बी पर मैंगो ट्रीज हैं, उनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर दे रखा है। सिमिलरली इट हैज टू अशोक ट्रीज एट द सेम डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर एज शोन एट द पॉइंट सी एंड डी। यहाँ पे दो मैंगो ट्रीज हैं, यहाँ पे दो अशोक के ट्रीज हैं और उनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है। ए बी सबटेंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री एट द सेंटर ओ। यहाँ कहीं पर मैंने सेंटर ओ ले लिया, तो मुझे क्या कहा जा रहा है, ये जो ए बी है ये सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बना रही है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए सी फ्रॉम सेंटर, लो जी ये ए सी है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इसको से पी बोल दें, ये 5 मीटर दे रखा है। ए सी फ्रॉम सेंटर इज 5 मीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 मीटर। चलिए जी, अब मुझे आप इसमें बताएंगे, इस फिगर में कौन सी डायमेंशन 13 मीटर में लिख सकती हूं? विच डायमेंशन आई कैन राइट एज 13 रेडियस? क्या इसमें कोई भी ऐसी डिस्टेंस दिख रहा है जो 13 मीटर होगा? नाम नेमिंग कर लो, बताओ Yes. बोलो कौन सा बेटा। An OC and ओ सी,
भी 13 होगा और कुछ भी होगा 13? बोलते यस जाओ, जो जो 13 नजर आ रहे हैं सब बता दो। एम ओ ए 13 है, ओ बी भी 13 है, ओ सी भी 13 है और ओ डी भी 13 है, क्योंकि ये सारे सेंटर को सर्कमफ्रेंस पे ज्वाइन करके मिल रहे हैं, तो ऑल आर रेडियस। गुड, चलिए जी सीट पे चलिए। अब आपने नहीं उठना, मैंने आपको उठाना। यहां तक डायग्राम सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? एनी प्रॉब्लम इन द डायग्राम? अब पहला क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल सी ओ डी? मुझे ये वाला एंगल बताना है, बोलो भाई कितना होना चाहिए। क्या एंगल सी ओ डी बताना है मुझे, कैसे बताओ? बोल दो बोल दो बोल दो, आ जाओ बेटा आ जाओ। मैडम जिसको कहती जा रही है ना, फटाफट बोर्ड पे आओ, माइक पे आओ, मैम बोलो। 120 120 क्यों होगा? रीजन भी बता दे बेटे। आंसर तो ठीक है पर क्यों? व्हाई इट इज 120? देखिए आपको कैसे मैडम, वो अच्छा, क्योंकि ये डी सी एओ बी 120 है, इसलिए ये भी 120 हो जाएगा, इसीलिए बेटा। यस अच्छा है तो इसीलिए, लेकिन क्यों, ये रीजन बताना बेटा। क्योंकि दोनों इक्वल। बिल्कुल, ए बी और सी डी की लेंथ कैसी है? बोलो बोलो, लेंथ ऑफ ए बी इज सेम एज लेंथ ऑफ सी डी? प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर रहे हैं हम? इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल सेंटर एट दी सेंटर। ये 10 है, ये भी 10 है, इसीलिए ये 120 डिग्री होगा। अब मान लो मैं यहां पर ये 10 मीटर की बजाय मैं कह दूं कि ये जो कॉर्ड की लेंथ है ये 8 मीटर है, तो क्या ये 120 होगा? तब होगा क्या? नहीं होगा। तो सिर्फ आप जब रीजन दे रहे हो, ये नहीं कहना क्योंकि ये 120 है इसलिए ये 120 होगा, क्योंकि ए बी और सी डी की लेंथ बराबर हैं इसीलिए एंगल्स भी बराबर होंगे। चलिए जी, तो पहले क्वेश्चन का आंसर एंगल सी ओ डी इज 120 डिग्री। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मैंगो ट्री ए एंड अशोक ट्री सी? हाँ जी, कौन बताएगा? अब मुझे ये डिस्टेंस ऐसी चाहिए, अभी पिछले क्वेश्चन में हम ये काम करके हटे हैं, मुझे ये ऐसी डिस्टेंस चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देख लो, 2 मिनट सोच लो और बताओ एसी क्या होगा। सब फटाफट से कैलकुलेट करेंगे और जिसका आंसर आ जाएगा वो हाथ खड़ा करेगा, 8A से भी और बी से भी। फटाफट, 8B के बच्चे कुछ सुस्त सुस्त से नजर आ रहे हैं मुझे, काम नहीं कर रहे लग रहे। हाँ जी, 8B स्टूडेंट, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी। मुझे ये डिस्टेंस AC चाहिए। डिस्टेंस चाहिए तो देखो मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दिख रही है जो अवेलेबल है, कैसे मैं उसको यूज करूं, दिस इज समथिंग आई नीड टू थिंक अबाउट। OP सेंटर से, क्या AC कॉर्ड ऑफ सर्कल है? हाँ जी, इज AC कॉर्ड ऑफ सर्कल और नॉट? सेकंड हाँ करो करो, जिसने कर लिया बताओ मुझे क्या आंसर निकाला। एओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। पाइथागोरस लगा रहे हैं हम, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये कॉर्ड है सेंटर से परपेंडिकुलर डाला, बाइसेक्ट करेगा, तो ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। अभी हमने ये फर्स्ट असर्शन रीजन में यूज किया था इसको। बोलो बच्चे, थर्टीन अब स्क्वायर 13 स्क्वायर इज 169, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर ये डिस्टेंस 5, तो ये 25 बन गया। 169 -25 इज ए पी स्क्वायर। हाँ जी, 144 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 12 का।
बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ये एपी डिस्टेंस 12 आ गया है, लेकिन मुझसे क्या पूछा गया था, एसी, सो हाउ मच इज एसी, दैट 2 into 12. इज 24. वेरी गुड गुड, किसका आंसर आ गया है, हाथ खड़ा करो जिस जिसका आंसर सही आया है, 24, जिस जिसका आंसर आ गया है रेज योर हैंड्स. चलिए, 8, 9 ए से आए हैं, 9 बी से भी एक दो बच्चों का ही आया, ज्यादा नहीं. हाँ जी, ये जिसने मेरे से पाइथागोरस और वो सब पूछा था, बच्चे आपको कुछ समझ में आया इसने क्या किया हमने, पक्का? कोई बात नहीं, कई बार अननेसेसरी सी कंफ्यूजन हो जाती है, वो कंफ्यूजन होती भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों कोई बात कई बार नहीं स्ट्राइक करती, तो इट इज इमेटीरियल. बस मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ जिसका भी जो डाउट है वो पूछो, कई बार बिना मतलब से डाउट अराइज हो जाता है, लेकिन उसको क्लियर करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना चलते रहोगे तो फिर दिक्कत आ. चलिए जी, अब हमें बताना है वैल्यू ऑफ द एंगल ओ सी डी, मतलब मेरे को अब कौन से एंगल की बात करी जा रही है, इस एंगल की, एंगल ओ सी डी, आई वॉन्ट टू नो दिस एंगल नाउ. अब क्या करूं, ये कॉन्सेप्ट भी अभी हम पिछले क्वेश्चन में कहीं यूज करके हटे हैं, एंगल्स एंगल्स की बात आ गई तो फिर मैंने क्या कहा था, अब ये एंगल तुम्हें पता है 120 डिग्री है, ओ सी डी ट्राइंगल में देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है जी, कैसा ट्राइंगल है ओ सी डी, आइसोसेलेस है, अगर आइसोसेलेस है ये 120 है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे, ये बात समझ में आती है, अब क्या एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है, निकालो फिर. यस कितना आएगा, 30 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, 120 + x + x शुड बी इक्वल टू 180, सो 2x = 60, सो x शुड बी इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब एंगल ओ सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री. आगे क्या पूछा है, एंगल ओ डी सी, तो वो तो हमने पहले ही निकाल दिया, जो ये भी 30 है, दोनों ही एक्स हैं, इसका मतलब दोनों के आंसर कितने कितने हुए, 30 डिग्री ईच. आया कुछ बात समझ में, चलिए जी, अभी टाइम है मैम, केस स्टडी 2 कर लें, 3 में तो थोड़ा टाइम लगेगा, कैन वी हैव 5 मिनट्स, कैन वी स्पेंड, ठीक यस है जी, पढ़ो जरा केस स्टडी 2, जल्दी से पढ़ो, फटाफट फटाफट, देर ना लगाया करो, इधर उधर नहीं देखना होता, काम करना होता हमें, सर, एज क्लास 9 सी टीचर मिसेस रश्मि एंटर्ड इन द क्लास, शी टोल्ड स्टूडेंट टू डू सम प्रैक्टिस ऑन सर्कल चैप्टर, शी ड्रॉज 2 लाइंस ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी की लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बना दो पहले तो जरा कैसे बनाओगे, दो लाइन है, एक ए बी है एक बी सी है, एक 8 सेंटीमीटर की एक 6 सेंटीमीटर की, और वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो 90 डिग्री का एंगल कौन कहां पे बन रहा है, ए पे बी पे किसी पे, बी पे बनेगा, देखो मेरे को कहा गया एक ए बी लाइन है एक बी सी लाइन है, तो कॉमन वर्टेक्स क्या है दोनों का, बी, वो परपेंडिकुलर भी है, तो आई कैन टेक दिस एज ए दिस एज बी दिस एज सी, ए बी एंड बी सी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए बी की लेंथ जो दे रखी है मुझे वो दे रखी है 8, ये 8 सेंटीमीटर है ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है जी,
She told all the students to make this shape in their notebook and draw a circle which passes through the three points A, B, and C. पहला क्वेश्चन यही है, राइट द स्टेप्स टू ड्रॉ द सर्कल. कैसे ड्रॉ करूं? मुझे सिर्फ एक बात बोली गई कि ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक की लेंथ 8 है, एक की 6 है. मुझे एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो ए बी सी तीनों से पास करे. अब सर्कल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? एक सेंटर चाहिए, एक रेडियस चाहिए, उसके बिना तो सर्कल नहीं बन सकता. 9A, कैन यू हियर मी? आप लोगों का वीडियो फ्रीज आ रहा है मेरे पास, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? हाँ जी. अब यहां पे आती है एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई द नॉलेज दैट यू हैव. ये एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री. और आपको मालूम है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज, तो क्या मुझे एक बात समझ में आती है यहां से? कैन यू टेल मी, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं जो एबीसी पॉइंट से पास कर रहा हो, उसका डायामीटर क्या होगा? ये 90 डिग्री का एंगल है और एंगल इन अ सेमी सर्कल आर 90 डिग्री. ये बात मुझे पता है. अगर ये मेरे पास डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स हो तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनना है. मैं इसको थोड़ा सा इसी से रिलेट कर देती हूँ, मे बी यू विल बी एबल टू मेक आउट बेटर. ये मेरा सर्कल है, सर्कल में बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. यहां पर मैंने ये बी पॉइंट ले लिया, इस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ऐसे. तो क्या आप ए और सी पॉइंट लोकेट कर सकते हो सर्कल पे? कहां पे ए और सी पॉइंट कौन से हुए? ये बी पॉइंट तो यहां आ गया जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनना है, ठीक है जी. अब ए पॉइंट और सी पॉइंट कौन से होंगे बता सकते हो? क्या मैं इन दो में से एक को ए और एक को सी ले सकती हूँ? Yes. तो मुझे क्या ये समझ में आता है कि जो मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करने वाली हूँ उसका डायामीटर एसी होगा. ये बात समझ में आती है? हाँ जी. कैन यू मेक आउट एसी इज गोइंग टू बी द डायामीटर ऑफ दैट सर्कल? बोलो बच्चों. Yes. अब मेरे को सेंटर ढूंढना पड़ेगा. सेंटर कैसे मिलेगा? कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर मैं यूज करूं कि मुझे सेंटर मिल जाए? आई शुड बी एबल टू लोकेट दी सेंटर. मेरे पास ये सिचुएशन दे रखी थी, ये ए बी है, ये वी सी है, ए सी के अलोंग डायमीटर जाना है. ये बात मेरी समझ में आती है. इसका मतलब मेरा सेंटर इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा. डायमीटर पे ही तो सेंटर लाई करता है, ठीक है जी. ये डायमीटर पे ही कहीं सेंटर है. कैसे लोकेट करोगे? पाइथागोरस. पाइथागोरस लगाने से सेंटर कैसे लोकेट होगा? ध्यान से देखना, अगर मैं इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं, याद है कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कैसे ड्रॉ होते थे? बी पे कंपास रखो, इसके हाफ से थोड़ा ज्यादा खोलो, इधर आर्क लगाई, इधर लगाई, फिर ऐसे ही ऐसे लगाई और ये बन गया. ऐसे बनाते थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, याद है कुछ सिक्स्थ क्लास में? ऐसे ही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें. सपोज ये मेरे पास इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जा रहा है. ये दोनों जिस पॉइंट पे मीट करेंगे क्या वो सेंटर होगा? सोचना जरा, मैंने क्या कहा? मैंने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये जहां पर मीट करेंगे वो मेरा सेंटर होगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? क्यों होगा ये भी बता दो. मैं एक सर्कल चाह रही हूं जो इन तीनों से पास कर रहा है.
और उस सर्कल का ऐसा सर्कल चाहिए मुझे, एंड ये एसी डायमीटर है, इसके ऊपर इसका सेंटर लाई करना है। मैं कह रही हूं क्या करो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये जहां पे मीट करेंगे वो सेंटर होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, व्हाई इज इट सो? सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। और अब चलो इसका ऐसे समझो, ये मेरे पास दो कॉर्ड हैं एक सर्कल में, मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं मतलब सेंटर से पास करेगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं वो भी सेंटर से पास करेगा, तो क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन सेंटर दे रहा है मुझे? बस वही चीज हमने यूज करी है। क्या किया हमने, हमने इस ए बी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, बी सी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, ये दोनों जहां पर मिले वो क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर है, ये टोटल डायमीटर था, मतलब ये रेडियस हो गया। मतलब यहाँ पे कंपस रख के ओ ए जितना खोल के अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूंगी तो वो ए बी सी तीनों से पास करेगा। तो वी मेड यूज ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, उसको रिवर्स में मैंने यूज कर लिया। ये बात समझ में आई है बच्चों? अब क्वेश्चन देखो, व्हाट यू विल कॉल द लाइन एओसी, ये लाइन एओसी को क्या बोलेंगे हम, आर्क, डायमीटर, रेडियस या कॉर्ड? डायमीटर। अगले क्या है, व्हाट विल यू कॉल द एरिया एएमबी, एम पॉइंट यहां पर है मेरा, ये एएमबी इस पार्ट को क्या कहोगे, आर्क, सेक्टर, मेजर सेगमेंट या माइनर सेगमेंट? व्हाट विल यू कॉल द एरिया बी सी एन ए, समवेयर हेयर इज द पॉइंट एन, तो ये बी सी एन ए ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। ये वाला एरिया जो है बी सी एन ए, दिस इज द मेजर सेगमेंट। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, अब बताओ जी रेडियस कहां से निकालो? हाउ टू गेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, एक बार इसको हम रीड्रॉ कर रहे हैं। कैसे ड्रॉ किया था हमने सर्कल को, ये सर्कल था, ये इसकी एक कॉर्ड थी ए बी और ये थी बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो ए सी है ये मेरा डायमीटर होने वाला है। अब इस डायामीटर पर अगर मुझे सेंटर मिल जाए तो सर्कल ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा। सेंटर निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और बी सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये जहां पर मीट कर रहे हैं वो हो गया मेरा सेंटर, क्योंकि मुझे मालूम है जो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, इसका भी बना दिया, दोनों जहां मीट कर गए वो मेरा सेंटर हो गया। अब मेरे से पूछा गया है रेडियस, क्या ये ओबी डिस्टेंस मेरा रेडियस है? बोलो जी, इज ओबी रेडियस? ये ए बी, इसको पी कह दूं, इसको क्यू कह दूं, ये टोटल ए बी लेंथ कितनी दे रखी थी, 8, तो पी बी कितना हो जाएगा, 4, पी बी इज 4। ये बी सी लेंथ कितनी दे रखी थी, तो बी क्यू कितनी हो जाएगी, मतलब ये ओपी भी 3 हो गई, ये और ये सेम है, तो क्या अब ये ओ बी निकल जाएगा? ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 3 है, तो क्या ये डिस्टेंस फिर से पाइथागोरस लगा सकते हो, क्या आ जाएगा, 9 प्लस 16 5 आ जाएगा ये, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया, 5।
अगेन ये पूरी चीज को सॉल्व करने के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है कि अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालती हूँ कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, और वाइस वर्सा अगर कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो वो सेंटर से डेफिनेटली पास करेगा। ठीक है जी, तो किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास करता है, दोनों कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना लिए, जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो सेंटर, क्योंकि दोनों ने ही सेंटर से ही पास करना था। अब ये मेरा रेडियस है, ये बाइसेक्ट किया है, इसका मतलब ये डिस्टेंस बीसी की लेंथ का आधा, ये डिस्टेंस एबी की लेंथ का आधा, चार ये चार ये तीन, तो पाइथागोरस से रेडियस हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर। हाँ जी बच्चों, समझ में आया कुछ? ठीक है जी, तो केस स्टडी 3, इसको थोड़ा सा देख के आना, ट्राई करके आना, अगली क्लास में इसको हम डिस्कस करें। ठीक है जी, ओके बच्चों, ओके जी, बाय बाय।